नमस्कार, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे हैं। भाजपा नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ को दोबारा प्रदेश की सत्ता सौंपी तो इस बार टीम भी उपयोगी ही दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में योगी ने अपने मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कई मिथक तोड़कर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने वाली भाजपा ने इस बार सभी को अचंभित करते हुए दिग्गज का तगमा लिए पिछली सरकार के कई बड़े मंत्रियों को किनारे कर दिया। केशव प्रसाद मौर्य हार के बाद भी डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। वहीं ब्रजेश पाठक ने योगी की पहली सरकार में डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा को रिप्लेस किया है। फिर 50 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। कुल 52 सदस्य मंत्रिमंडल में 16 कैबिनेट, 14 स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा, सतीश महाना, मोहसिन रजा समेत पिछली सरकार के 20 मंत्रियों को इस सरकार में जगह नहीं मिली है। वहीं सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ देर रात लोकभवन में बैठक कर कामकाज भी शुरू कर दिया है। योगी की नई कैबिनेट में 38 विधायकों को मंत्री बनाया गया है, मतलब ये सभी विधानसभा चुनाव जीतकर आए हुए हैं। वहीं 9 MLC भी मंत्री बनाए गए हैं, जबकि 5 नाम ऐसे हैं जो न विधायक है न ही MLC हैं, यानी इन्हें अगले 6 महीने में सदन पहुंचना होगा। पिछली योगी सरकार के पहले शपथ में 46 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इसमें 24 कैबिनेट मंत्री, 9 स्वतंत्र प्रभार और 13 राज्य मंत्री थे। अब बात कर लेते हैं उन 5 मंत्रियों की भी जो ना तो विधायक हैं और न ही MLC हैं। इन नामों ने हर किसी को चौंका दिया है। इसमें दानिश आजाद अंसारी, जसवंत सैनी, दयाशंकर मिश्र दयालु, JPS राठौर और नरेंद्र कश्यप का नाम शामिल है। चुनाव हारने के बाद मंत्री बनने वालों में एकमात्र चेहरा केशव प्रसाद मौर्य का है जो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। योगी के मंत्रिमंडल में इस बार सबसे ज्यादा 18 मंत्री OBC चेहरे शामिल किए गए हैं। मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा 18 मंत्री OBC, 10 ठाकुर, 8 ब्राह्मण, 7 दलित और 3 जाट, 3 बनिया, 2 पंजाबी और 1 मुस्लिम चेहरे को शामिल किया गया। इतने बड़े राज्य में सिर्फ 1 मुस्लिम चेहरा। वहीं इस बार दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा, सतीश महाना, नीलकंठ तिवारी, सिद्धार्थनाथ सिंह, जय प्रताप सिंह पटेल, सतीश महाना, मोहसिन रजा, आशुतोष टंडन की छुट्टी हो गई है। योगी के इस 53 सदस्यीय मंत्रिपरिषद में पिछड़ों पर विशेष प्रेम लुटाते हुए दिखाया गया है। सभी जाति वर्गों को साधने का प्रयास दिखाया गया है। वह स्पष्ट रूप से लोकसभा चुनाव 2024 की ओर मजबूती की तैयारी में भाजपा ने यह कदम उठाया है, कोई भी राजनीतिक विश्लेषक बता देगा। प्रदेश की राजनीति में 37 वर्ष बाद भाजपा ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी का रिकॉर्ड बनाया, तो वहीं 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा शपथ लेने का इतिहास योगी आदित्यनाथ ने रच दी। शपथ ग्रहण समारोह से पहले तमाम अटकलें चल रही थी कि कई नाम मंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनाए जा रहे थे, लेकिन जो ही समारोह का मंच सजा और इस पर शपथ लेने वाले कुर्सियों पर बैठना शुरू हुए तो लगभग सभी हतप्रस्त रह गए। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा डिप्टी सीएम बनाए जाने की संभावना मजबूती से जताई जा रही थी, लेकिन उनके साथी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को हटाकर वह कुर्सी पिछली सरकार में विधि मंत्री रहे ब्रजेश पाठक को सौंपकर भाजपा ने सबको चौंका दिया। हालांकि पिछड़ा और ब्राह्मण वर्ग का संतुलन यथावत रहा। IAS और IPS की नौकरी से स्वेच्छित सेवानिवृत्ति लेकर क्रमशः अरविंद कुमार शर्मा और असीम अरुण और उपराज्यपाल रही बेबी रानी मौर्य को भी मंत्री बनाया जाना संभावित भी था, लेकिन 8वीं बार विधायक बने निवर्तमान मंत्री सतीश महाना, आशुतोष टंडन, सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा की मंत्रिमंडल में वापसी ना होना भी चिंतित करता है, अप्रत्याशित है। इससे संदेश भी गया है कि जिस तरह मोदी मंत्रिमंडल में कुछ माह पहले कई दिग्गज मंत्रियों की छुट्टी हुई थी, वही फॉर्मूला भाजपा की किसी भी सरकार में भी लागू हो रहा है और हुआ है। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।